हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? शाम का टाइम है। हाँ, मेरे बाल थोड़े झूल झूल हुए, कोई बात नहीं, तेल लगा हुआ था मेरे बाल में, अभी नहाना है। बट आई एम वेटिंग फॉर माय पति देव, आएंगे थोड़ा बहुत समाज देंगे, फिर आरव को नहलाऊंगी उसके। गाइस ये देखो, आरव ने ये देखो क्या लगाया हुआ है, ये इसके मामू ने लगा के दिया। ये आपको याद है जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मीशो हॉल में मैंने आपको ये दिखाया था। अब इसने इसको चार्ज कर लिया, ये भी मीशो हॉल से हमने मंगवाया था। तो ये दोनों को कंबाइन करके ये देख लो इसका। अच्छा ये अच्छा, साइकिल अपने साइकिल से निकाल दिया, लाइट का था निकाल दिया। अच्छा ये कोई जुगाड़ करके लगाया था, हमेशा चलाता था, मुझे गर्मी लगती है साइकिल चलाते समय। फिर हमने इसको, ये है प्लांट्स देखो लेके आए थे, अब इसको लगाऊंगी मैं अपने प्लांटर्स में। मैंने मीशो से प्लांटर्स मंगवाए हुए हैं तो आपको दिखाऊंगी प्लांटर्स भी। गार्डन में ना, छोटे से गार्डन में सबसे प्यारी हमारी छोटी सी तुलसी। हाँ वो देखो, निकालते उसको, बेचारी फंस गई। हमने ये जाली पता क्यों लगाई है, सारे कुत्ते ना इसके अंदर घुस के ना सो जाते थे छोटे छोटे, सारे प्लांट्स तोड़ जाते थे, खराब कर जाते थे सारे प्लांट्स ना, अगले दिन देखते थे सब मर जाते थे। तो फिर भाई ने इसके ऊपर यहाँ पे जाली लगा दी कि यार कोई मतलब आके डॉगी वॉगी या कोई भी जानवर आके यहाँ पे आके बैठे नहीं, सोए नहीं, उनके लिए ये ठंडी ठंडी जगह सोने के लिए हो जाती थी, बट हमारे प्लांट्स की बस ख़त्म हो जाते थे। मनी प्लांट हो गया, चढ़ के निकल गए, पत्ते तोड़ दिए, तो इट्स बेटर कि भैया जाली लगा लो, कोई ना आए। सुना है यहाँ पे कुछ, एक तो ये क्या है, ये अरे क्या यार, मोगरा, आई थिंक मोगरा, ये अंगूर कहीं लाल लाल हो रहे हैं अंगूर। अरे वो देखो रेड कलर के होने वाले हैं अंगूर, दिख रहा आपको? रूम मैंने अपना क्लीन कर लिया, एंड या वो मेरे प्लांटर्स, नई चद्दर आज बिछा ली, कुछ नहीं, डस्टिंग वस्टिंग बेड वगैरह की सब कुछ थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया। और डिनर विनर हमने यहीं पे करना है, पहले आरव को नहलाऊंगी फिर खुद नहाऊंगी। एंड बेडशीट ऑनलाइन मंगवाई है, उसका हॉल बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, जून में आएगा अभी इसका हॉल। तो या ओके, वैसे मीशो की बेडशीट है। चलो गाइज, अब आगे मैं अपने बाथरूम में, क्योंकि मुझे लेना था शार। और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम में आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, इको करती है। मैं यहाँ पे अपने लूफा को थोड़ा सा गीला कर रही हूँ अच्छी तरह से, एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट कर दूंगी। लूफा आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपके लोकल मार्केट में ऑनलाइन में 50-60 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ वाओ स्किन साइंस का जापानीज चेरी ब्लॉसम फोमिंग बॉडी वॉश। ओ माई गॉड गाइज, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है इसके साथ नहा के। दिस वन इज पैक्ड विथ लशियस फ्रूटी एंड फ्लोरल फ्रेगनेंस नोट्स, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी फ्रूटी फ्रेगनेंस भी आती है, फ्लोरल फ्रेगनेंस भी आती है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसके अंदर डाला हुआ है स्किन लविंग बायो एक्टिव सच एज शिया बटर एंड विटामिन ई। शिया बटर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको मॉइस्चराइज करता है, स्किन को डीपली नरिश्ड करता है, एंड आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी एडेड कलर नहीं डाला हुआ। तो बस मैं यहाँ पे गाइज बॉडी वॉश ले लूँगी, थोड़ा सा फ्रेगनेंस तो मत ही पूछो, मतलब मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकलती हूँ ना, पूरे मेरे बाथरूम में इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। थोड़ा सा जस्ट आपका ये प्रोडक्ट लगता है लेदर, ओ माई गॉड, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने देखा ना मैंने कितना थोड़ा सा डाला, बस उतना काफ़ी, आप अपना पूरी बॉडी को अच्छी तरह से इसके साथ क्लीन कर सकते हो। रिच लेदर करता है आपके सामने ही, देखते ही देखते आपने देखा कितना अच्छी तरह से इसने लेदर कर दिया। और जितनी बार भी आप इसके साथ नहाओगे ना, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट होगी है, आपकी स्किन एक्स्ट्रा पैम्पर्ड होगी है। इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आती है ना कि ऑटोमेटिकली मूड ना अपलिफ्ट हो जाता है, यू फील सो रिलैक्स्ड, क्योंकि फ्रूटी फ्लोरल फ्रेगनेंस है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। एंड आपको पता है जब हम डेली लूफा के साथ नहाते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होती है या फिर जो भी गंदगी वगैरह होती है बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है। तो आई प्रेफर कि आप बॉडी वॉश एंड लूफा के साथ आप नहाओ, इससे आपकी स्किन के ऊपर से कभी भी डेड स्किन नहीं लगती एंड टैनिंग वगैरह भी हट जाती है साथ साथ में। पानी मैंने डाल दिया एंड लुक एट माई स्किन, इट्स सो शाइनी, एकदम शाइन करने लग जाती है और डीपली मॉइस्चराइज करती है, ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं ये करता, आप खुद देख लो।
एंड गाइज बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएगा। तो परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको जरूर जाके चेकआउट कर लेना। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर है 97.7% एंड वाओ के प्रोडक्ट्स, नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, नो सिलिकॉन्स, नो एडेड कलर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड इन इंडिया है, 100% वीगन है, क्रुअल्टी फ्री है, ग्लूटन फ्री है। 339 रुपीज़ इनका प्राइस है, 250 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। एंड गाइस जब भी आप वाओ के प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना तो वाओ की ऐप से आप वाओ के प्रोडक्ट्स खरीदा करो। मैं आपको ऐप का डाउनलोड का लिंक आपको मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ऐप से खरीदोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बोज ऑफर्स आपको दिख जाएंगे एंड जो भी न्यू लॉन्च होता है ना वाओ का तो वो भी आपको फटाफट से ऐप पे नज़र आ जाएगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी वाओ की ऐप से आप वाओ के प्रोडक्ट्स को बाय किया करो एंड आपको एक साथ ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज में, तो आपको ईजी होगा। अच्छा गाइज वाओ के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप नोटिस करो ना QR कोड होता है, पता है आपको क्यों होता है? आपको ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए होता है। QR स्कैनर आप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, इससे आपको पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। तो इस वजह से ये वाला QR कोड होता है, ये देख लो प्रोडक्ट ओपन हो गया ना जब मैंने इसको स्कैन किया इसके QR कोड को, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए होता है। गाइस जस्ट मैं अभी शार लेके आई हूँ और स्किन एकदम सॉफ्ट लग रही है मेरी, आप खुद ही देख सकते हैं, एकदम स्मूथ लग रहा है मेरी स्किन का टेक्सचर और काफी रिलैक्स लग रहा है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी वाओ का ये बॉडी वॉश, इसके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार आप जरूर ट्राई करो, अमेजिंग वाली एक्सपीरियंस होता है इसके साथ, है ना, नहा के बड़ा मजा आ जाता है। चलो फिर परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्लॉग मैं खत्म नहीं कर रही, कंटिन्यू कर रही हूँ, डिनर करना भैया, भूख लग रही है। तो या आज मैं शाम को थोड़ा सा लेट हो गया मुझे नहाते नहाते, मैं थोड़ा अपना काम कर रही थी एडिटिंग वगैरह, तो चलो डिनर विनर लग चुका है तो आपको दिखाती हूँ। मैं रूम में सारे आ चुके हैं, मैं इधर साइड में शूट कर रही हूँ, व्लॉग देखो बाकी का। गाइज ये देखो हमारी इडलियाँ हो चुकी हैं तैयार, आज मम्मा ने डिनर में बनाई हैं इडलियाँ और ये देखो और हो रही है सेटिंग। कॉटन इसकी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाय द वे अगर मैं कभी भूल गया, गाइज आपको बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ, ये होते हैं यूट्यूबर्स के मम्मी पापा जो बिहाइंड द सीन होते हैं। और ये देखो यूट्यूबर अपना, वी आर वेटिंग टू ईट, देख लो ठीक है। एंड हम लोग देखे ईमानदारी से इसको सारा टाइम देते हैं कि तुम कर लो शूट। हाँ तो हम तुमको शूट कर रहे हैं देखो, अरे आज हम सबने ब्लैक एंड व्हाइट डाला। यस और आप लोग सोच रहे होंगे इसको क्यों नहीं खोल खोल गया, अरे यार ये ना ढक्कन ही टूट गया है। चलो अच्छी बात है, गोली थी मत दिख रहा है, कोई बात नहीं है यार, देख लो टूट गया, हमने टूटे अभी टूटे, मैं चिपका डालूंगा। गाइस आरव को डालनी थी इडली अपने आप, और आरव और मामू की दोनों की लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा था मैंने अपनी प्लेट पे खुद सर्व करूंगा, ये कहता था मैं अपनी और नानू की खुद सर्व करूंगा। मम्मी लगी इधर मेरे सांबर डालने, यार सांबर की शक्ल देखो जरा, हा 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 यम। जो एंड आरव कहेगा वही रहेगा। अच्छा ये कटा हुआ मैंगो आरव का, हाँ ये यार फिर बेचारा ना अपने मुंह हाथ गंदे कर लेता, तो इसलिए मम्मा ने आज इसको कट कर दिया। ये चटनी मम्मी कौन सी चटनी है, तूने शूट कर लिया ये सब? अच्छा इसने शूट कर लिया। यार मैं डिटेल नहीं देने वाली, भाई के चैनल के ऊपर वीडियो है, मिस्टर बगा किचन भाई का कुकिंग का चैनल है, अब जाके सब्सक्राइब कर लो एंड वहीं पे आपको सारी रेसिपी वगैरह थोड़ा बहुत जो भी मम्मा ने बताया होगा उसी में ही होगा। बाय बाय पापा, हेलो करो, अब जाके हेलो करवा रही हूँ। ओके बाय, हमारा डिनर शुरू होने वाला है। हे गाइस ओके अब है हमारा डिनर टाइम एंड देख लो सारी सेटिंग वेटिंग हमने कर ली है बैकग्राउंड में, या एक फोटो ले थोड़ा सा थंबनेल। अरे तो की बच्चे हो गए गजर पाई, अरे मैंने गजर पाई है ये गजर, हां बेटा गजर है, मम्मा कट लग रहा से तुम ना पाया। ओके ई में भी आ रही ये दो तोड़,
अच्छा गाजर ऊपर भाई है। अरे हरी चटनी की रेसिपी एनू पता है एदे चैनल ते नारियल वाली नहीं मूंगफली वाली चटनी है ना गाइस बहुत सही वाली चटनी बनी है भाई के चैनल के ऊपर रेसिपी शूट की है ना तुमने हमें पता ही होता है यार हम क्या इसलिए अगर आप ब्लॉग देखते हो ना हम दोनों के ब्लॉग्स अलग होते हैं मुझे नहीं पता मैं अपना कंटेंट डालती हूँ या अपना डालता है हमारा सेम नहीं होता तो आप दोनों के ब्लॉग्स एंजॉय कर सकते हो या मैं आपको बिहाइंड द सीन शूट करके दिखाती हूँ ये आपको रेसिपी वगैरह ज्यादा होता है भाई के चैनल पे ठीक है बाय नहीं अभी हम वो करेंगे स्पीड में चलाएंगे गाना चलाएंगे पीछे मम्मी बहुत स्वाद नहीं भाई को कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना तो वो टिप्पणी देगा अगर उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो आपको बुलाएगा भी नहीं उसको अच्छा लग रहा है भुला ही ना यार बात में बात करने वाले खाने दो अच्छा दोनों ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन मेरा ब्लू लगते हैं ब्लैक ही है अभी हमने और फोटोज खींची थी इंस्टाग्राम इसमें है चलो बाय खाने दो बहुत टेस्टी है आई नी आई नी